ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली सुनेंगे 28 नवंबर 1969। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। आज भट्टी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो। वह संपूर्ण समर्पण हो चुके हो। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, आज उन्हीं का समारोह है। यह सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है, उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आँखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि यह कहाँ तक आ पहुँचा हूँ, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी हो जाएंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए भी उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीज़ें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भले लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी हैं। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है। तो भले वे भक्त ज्ञानी व अज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो वह है ही ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है, लेकिन वह नज़दीक संबंध के हैं, वह दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज़ देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो, इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो, तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा
लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। पांव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में है। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का याद का बल देना है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज़ को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है। उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो। सिर्फ देह के संबंधियों से ही न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलाहनाएं देते हैं। खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उलाहना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो ही उलाहनाएं नहीं मिलेंगी और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देखकर बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना, चलना कैसे हो वह बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बतलाते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है राजा जनक का मिसाल। उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बिल्ली को, जो बलवान है, उससे तीन पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को तो संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में
बलवान बनना है। तो जैसे वह तीन पैर पृथ्वी दिखाते हैं, यह कौन सी तीन बातें सुनाई जाती हैं? जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है, मनसा वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह तीनों बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वह तीन बातें कौन सी है? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो, यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रतन ही निकलें। एक दो को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। यह दोनों बातें याद करने में कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, वह बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए हैं, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा को देखते रहते हैं, बाप दादा तो देखते रहते हैं, साथ किसके रहेंगे? साथ ही उंगली छोड़ दें तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा को तो किस न किसी रूप में साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही नहीं दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है, सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहो तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो? अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए
उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब फिर कैसे ही होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क में तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है? वह पर्चा सभी को देते हो? तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे, याद के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे, दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है, मददगार और वफादार। जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। तो सहयोगी होंगे, जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उसमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है, जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, यह चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? यह तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं? संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं? यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ तक करते हैं। जैसे घर का पोता मेल रखते हो, वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को यह भी पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, यह शॉर्ट में लिखना है, लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोतामेल आ जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसे कि अब नया जन्म लिया है,
पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की हैं वह सभी यहाँ ही छोड़कर जानी हैं। फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कार के कारण यह हो गया। जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज़ है, जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी भी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए, समस्या सामने क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान की कोई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली है। कोई भूल होगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा हुआ है, पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी को भूलें करने की छुट्टी नहीं है, लेकिन आज ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूलें माफ हैं। ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है। यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। याद क्या रखना है? जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा करूँ जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली है। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप में प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। ये पुरुषार्थ हीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थ ही जीवन है। इसलिए यह तो ज्ञान की पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बना करके रखे हैं। इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्या आप ही खत्म हो जाएगी। चार शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। पहला, समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति। दूसरा, समाने की शक्ति। तीसरा, सहन करने की शक्ति। चौथा, सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व देवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। यह चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शॉर्ट करो, शॉर्ट मतलब छांटना, चटनी करो। यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है, यह नहीं, शॉर्ट करो, शॉर्ट करते जाओ और जितना हो सके शॉर्ट करो। जो 10 शब्द बोलते हैं उनको शॉर्ट कर दो, शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस पट्टी के पश्चात करना है। एक बात यह भी याद रखना है कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कार्य में, हर बात में बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से
आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया? नहीं। तो वह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी चाहिए। इसलिए हर एक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाना, यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार्ग की सेवा है, यह विहंग मार्ग की सेवा है। दुनिया के अंदर यह आवाज फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी हुई आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज कैसे हो, आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर के सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो चाहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो, दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ, सहयोगी बन, बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे यह इमर्ज रूप में है, पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नज़दीक है। लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। वह दिन अभी नज़दीक है, फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। जिसकी रिजल्ट अच्छी होगी उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुवन तो है ही भट्टी। मधुवन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए।
इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति।